प्रणाम। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूं। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहां आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है, कार्य क्या है यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं, आप अपने शिष्य के साथ क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूं, अंबा को ग्रहण कर लो। हे ब्रह्मर्षि, यह तो संभव ही नहीं है। और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूं कि आपने अकेले ही इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरुश्रेष्ठ, यह आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके। उस देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुश्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व है, पवन सारथी है, वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच है। हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं।
सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। सावधान, सावधान। ऋषिवर, ये तो प्रस्वा पात्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है। ऋषि,
ठहरो। हे गुरु नंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग ना करो। हे शिष्य श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। सारथी, चलो।